I'm Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation. Recently, Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited yani ki RFCL ki taraf se various vacancies out hui hain and yes, humne cover kiya hai hamare platform Yourpedia Job Updates and Preparation par. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ RFCL की तरफ से ही आउट हुई मैनेजर की पोजीशंस के लिए. देखिए, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ये वैकेंसीज़ को आउट किया गया है. यहाँ पर मैनेजर की पोजीशंस आउट की गई हैं एंड डिफरेंट पोजीशंस यहाँ रहेंगे, डिफरेंट डेजिग्नेशंस यहाँ रहेंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस नोटिफिकेशन वीडियो में. तो यहाँ पर 27 वैकेंसीज हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. परमानेंट जॉब ही है एंड यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रहेंगे वो कर सकते हैं अप्लाइंग पोजीशंस के लिए. तो चलिए बात करते हैं कम्प्लीटली. लेकिन यस, नोटिफिकेशन को गो थ्रू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी जो वैकेंसीज है, टेक्निकल वैकेंसीज हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. बिकॉज हम हर एक टेक्निकल वैकेंसीज को कवर करते हैं. प्लस यहाँ पर चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनकी भी वैकेंसीज को कवर किया जाता है. तो ज़रूर गो थ्रू करेंगे यहाँ पर. एंड चैनल है हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं. लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें कम्प्लीटली. बात करते हैं RFCL की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में. यहाँ पर 27 वैकेंसीज आउट की गई हैं. डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसीज को आउट किया गया है. मैनेजर की पोजीशंस यहाँ रहेंगी. केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसीज हैं यहाँ पर. एंड केमिकल लैब में हैं, मटेरियल्स में हैं, फिनेंस एंड अकाउंट्स में हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल सेफ्टी में. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 27 वैकेंसीज को आउट किया गया है. ध्यान से यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा फुल नोटिफिकेशन को जिसे आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं. यहाँ पर ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगा. तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको प्रॉपरली यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे. पे स्केल की बात करें हम यहाँ पर, तो ये पे स्केल है 16 लाख से लेकर 32 लाख तक का. जो ये सैलरी पैकेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इन वैकेंसीज के लिए. मैनेजर की पोजीशंस हैं, आप डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे स्केल को गो थ्रू कर सकते हैं. 2,60,000 तक का यहाँ पर पे स्केल प्रोवाइड किया जा रहा है. एंड सिर्फ पे स्केल नहीं है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, चाहे वो हाउस से रिलेटेड हो, रेंट से रिलेटेड हो या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो. ये सभी बेनिफिट्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे इन पोजीशंस के लिए. अब मेनली अब हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कितने ईयर्स का है, यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, हर एक चीज़ मेंशन की गई है. देखिए, जो ये वैकेंसीज है ना, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए हैं. 4 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है डिफरेंट पोजिशंस के लिए. एज ग्रुप है वो भी डिफरेंट रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट रहेंगी. एंड येस, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, किस डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए, वो भी क्लियरली मैंशन किया गया है. तो अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी केयरफुली यहाँ पर गो थ्रू करनी है, क्योंकि यहाँ पर वेरियस पोजीशंस आउट की गई हैं. सिंपली मैं बात करूँ तो केमिकल में ही वैकेंसीज हैं. ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में. ग्रेजुएशन के बिहाफ पर कर सकते हैं अप्लाई. लेकिन यस, आप अपना एक्सपीरियंस भी देखिए, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है. बिकॉज जो भी एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पर जून 2024 तक यहाँ पर काउंट किया जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस को चेक कर सकती हैं. डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी. ये इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसीज हैं, केमिकल लैब में हैं, मटेरियल्स में हैं, फिनेंस एंड अकाउंट्स में यहाँ पर हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मेडिकल एंड सेफ्टी में यहाँ पर आउट की गई हैं. सो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेंशन की गई हैं 60% आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए. एंड यहाँ पर जो मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे. आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, रिलैक्सेशन मिलेंगी आपको प्रॉपरली यहाँ पर, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ रहेंगी. परसेंटेज को बताया गया है, सी जी पी ए वाला पॉइंट है या ओ जी पी ए वाला पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है. कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए इन पोजीशंस के लिए. एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी का या फिर ग्रेजुएट ट्रेनी का. ये जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स का, जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा. सो प्रेफरेंस दी जाएंगी यहाँ पर
कैंडिडेट्स को उसके बारे में क्लियरली बताया गया है। देखिए, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क कर रही हैं या फिर PSEs में वर्क कर रही हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर ये भी है कि जो भी आप वर्क है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है और जिस पोजिशन के लिए आप अप्लाई करने वाली हैं, वो थोड़े से लोअर लेवल पर यहाँ पर होना चाहिए पे स्केल, ताकि ये कंसिडर किया जा सके कि येस आप नेक्स्ट हायर पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि देखो, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, और ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, तो जब वो सेम ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस उठते हैं इस चीज़ के लिए, और फिर उस केस में प्रेफरेंस कम दी जाती है। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है ना, वो अपनी एक लेवल ऊपर वाली जो पोजीशंस होती है ना, उनके लिए यूजुअली अप्लाई करते हैं। वहाँ पर चांसेस भी होते हैं कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होने की। तो इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। यो जो मिनिमम CTC है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कट ऑफ, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगी 29 फरवरी तक, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा यहाँ पर 30th June 2024 तक। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं यहाँ पर। रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी 700 से 1000 रुपीज़ तक की एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पहले ऑनलाइन पोर्टल से यहाँ पर अप्लाई करना होगा, प्रिंट आउट निकलवाना होगा एंड येस यहाँ पर पोस्ट भी करना होगा। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के एप्लीकेशन यहाँ रहेंगे। इन पोजिशंस के लिए हार्ड कॉपी आपको सबमिट करवानी होगी। अब एप्लीकेशन की मैं बात करूँगी, 20th मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, लेकिन येस लास्ट डेट रहेगी हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की 27th मार्च तक। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स इन एरियाज में स्टे करते हैं या फिर इंडिया के इन पार्ट्स में रहते हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो डिफरेंट है। वो यहाँ रहेगी 3rd April 2024। जो भी असम में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इन एरियाज में रहते हैं या फिर सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, UTs में रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में, उनके लिए यहाँ पर मेंशन की गई है लास्ट डेट अप्लाई करने की, मतलब हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेंशन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अब मेन आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एंड देन सिलेक्शन होगा। 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को, या फिर फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्यों, इसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल पोजीशंस आउट की गई हैं इसके टेक्निकल मेंटर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। स्नैप इंटरव्यूज प्रॉपरली होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड करते हैं एंड जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर जाते हैं उसके बाद ही वो एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। येस, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को कैसे रिफ्लेक्ट करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं पूछने वाले या फिर एक्सपीरियंस, किस तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी चीज़ यहाँ पर काउंट होगी। बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जो योरपीडिया से प्रॉपर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की सर्विसेज लेते हैं, आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिल आउट कर दीजिए इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर भी गिवन यहाँ पर रहेगा। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरेस्टेड कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, प्लेसमेंट रहेगी, पोस्टिंग यहाँ पर की जाएंगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऑल इंडिया एप्लीकेशंस यहाँ रहेंगी, कर सकते हैं अप्लाई 27 वैकेंसीज के लिए। मैनेजर की जो पोजीशंस आउट यहाँ पर की गई हैं, इन केस अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या फिर पेमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, ईमेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ यहाँ पर एलिजिबिलिटी एज की 29 फरवरी रहेगी, लेकिन यस एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रहेगी 30th June 2024 यहाँ पर कट ऑफ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं 20th फरवरी से 20th मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ रहेंगे पोजीशंस के लिए। 27 मार्च तक यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करवानी होगी, लेकिन मैंने कुछ एरियाज आपको बताए थे जो लोग वहाँ स्टे करते हैं, जैसे असम में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश के सब चंबा के कुछ सब डिविजन्स में या फिर अंडमान निकोबार में, जो आप देख ही चुके हैं, उनके लिए जो यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 3rd April रहेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें आप गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। एंड येस, ये सैलरी पैकेज का क्राइटेरिया लास्ट में जो कि मैंशन किया गया है, ये लास्ट पेज है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं गुड लक फॉर दिस। एंड जो भी अप्लाई करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए कंटैक्ट कर सकते हैं यूरोपीड एजुकेशन को फॉर द सेम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।